वैसे तो विकलांगता लोगों के लिए अभिशाप है, लेकिन जब विकलांगता को हराकर एक जन्मांध व्यक्ति ने अपने हौसले के दम पर स्वयं के जीवन को स्वावलंबी ढंग से एवं स्वाभिमान से जीना सीख लिया, तब विकलांगता ने भी हार मान ली। छतरपुर जिले के महाराजपुर नगर के रहने वाले बलराम अहिरवार ने अपने हौसलों की दम पर अपनी विकलांगता को हरा दिया। बलराम अहिरवार जन्मजात अंधे हैं और उन्होंने अपनी विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने हौसलों के दम पर एक सफल किराना दुकान का संचालन करके स्वावलंबी होकर स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बलराम लगभग 15 वर्ष से अकेले किराना दुकान चला रहे हैं और 35 वर्ष से उनकी दुकान इस जगह पर संचालित है। इसके पूर्व में उनके परिवार भी था, लेकिन 15 वर्ष से वह मात्र अकेले ही अपना जीवन बिता रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बलराम के परिवार में वर्तमान में 15 वर्ष से कोई नहीं है। 15 वर्ष पूर्व बलराम के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और उनकी बहनों की उसके पहले शादी हो चुकी थी। बलराम वर्तमान में एक किराना दुकान का संचालन करके एवं अपने रोज़मर्रा के काम भी स्वयं करता है। बलराम के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि बलराम ने अपने जीवन को दूसरों के लिए उदाहरण की तरह पेश किया है, क्योंकि बलराम को ना तो परिवार का सहारा मिला और ना ही अब इस जीवन के अंतिम दौर में वह किसी का सहारा बनकर रहना चाहते हैं, बल्कि वह अकेले अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। नोटों की बलराम को एक अलोखे ढंग से पहचान है। बलराम वैसे तो जन्मांध है, लेकिन उन्हें नोटों को हाथ से छूकर परखने की एक अनोखी कला है। वह नोट को छूकर बता देते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है या इस नोट में कितने रुपए उन्हें लोगों को वापस करने हैं। वैसे तो बलराम जो है वह शुरुआत से ही पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको इतनी अच्छी गणित आती है कि कोई भी व्यक्ति कितने का भी सामान ले उसका पल भर में हिसाब जोड़ देते हैं और जो पैसे उनके नोट से वापस बचते हैं वह लोगों को वापस भी कर देते हैं। बलराम की यह अनोखी जो कला है वह कहीं ना कहीं उनके अब जीवन यापन का साधन बनकर रह रही है। बलराम ने बताया कि उन्हें वर्तमान में पेंशन मिलती है, लेकिन वह पेंशन के भरोसे नहीं बल्कि अपनी दम पर अपने किराना दुकान का संचालन करके अपनी जहां विकलांगता को हरा रहे हैं, वहीं इस जन्मांध होने के बाद भी जन्मांध होने का अभिशाप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। हमारा नाम है बलराम। बलराम जी, हाँ। आपको बगैर आंखों की और ये किराना दुकान चलाते हैं, हाँ। कैसे चला लेते हैं आप? अंदाज से चलाते हैं सब। अंदाज से चलते हैं। जैसे कोई कोई सामान मांगता है तो आप उसको कैसे देते हैं? अंदर से इतना सारा सामान रखा हुआ है आपके? आप सामान दे देते हैं अंदाज से? दे देते हैं अंदाज से? दे देते हैं। तौलने में क्या दिक्कत नहीं आती है क्या? नहीं। क्या क्या बेचते हैं आप अपनी किराना दुकान में? शक्कर है, गुड़ है, और ये सारी सामग्री पूरी है। किराना की सारी सामग्री? हाँ। आप नोटों की पहचान कैसे करते हैं? नोटों की पहचान कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हाथों के? हाथों से अंदाज है आपके? हाँ। आपकी कब से आंखें नहीं है और कब से संघर्ष कर रहे हैं? बचपन से। बचपन से? हाँ। आपके और कोई नहीं है परिवार में? कोई नहीं है मेरे। और कौन है परिवार में? मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं। अकेले हैं? हाँ। और घर का भी सारा काम करते हैं? हाँ। तो बल्ली जी, आपको बलराम जी, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है शासन से? शासन से मुझे कुछ नहीं मिलता है, और यही 600 रुपये महीना मिलता है बस। हाँ। कब से आप लगभग दुकान चला रहे हैं? दुकान चलाते कम से कम हमको हो गया 35 साल। 35 साल? हाँ। बगैर आँखों की दुकान चला रहे हैं? हाँ। तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ। कहाँ कहाँ से आते हैं आपके यहाँ? मोहल्लों के आते हैं, मोहल्ले के लोग। हाँ। लोग आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, भूल चूक नहीं हुई पैसों को लेकर? नहीं, हो जाती है कभी कभी, फिर चूक जाती है कभी, हो जाती है, हो नहीं पाती पहले। हाँ।